गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। तो कस्टर्ड के लिए मैं दूध ली हूँ, नॉर्मल जो हमारे घर पे आता है गाय का दूध। आज एक्चुअली मेरी बेटी ने ज़िद किया कि उसको आज कस्टर्ड खाना है। तो अगर आपका भी बच्चा नॉर्मली ऐसा फ्रूट्स नहीं खाता है, तो आप अगर उसे कस्टर्ड पसंद है तो आप कस्टर्ड बना के उसको खिला सकते हो। उसमें सारे फ्रूट्स मिल सब उसके पेट में भी जाएगा और उसे पसंद भी आएगा। मैं ये दूध को थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ये जो कस्टर्ड पाउडर है, मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म करके ये कस्टर्ड पाउडर को घोल के रखा है। चलिए, दूध को अगर हम गर्म करके नहीं घोलेंगे, ठंडे दूध में भी बना सकते हैं, पर ठंडे तो दूध में लम्स पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने दूध को गर्म करके मैंने ये घोल बनाया है। ये मैंने अमूल स्प्रे का दूध बनाया है। चलो, मुझे बहुत अमूल स्प्रे पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके अमूल स्प्रे को 4 चम्मच अमूल स्प्रे इस वाटर गर्म पानी में लुकमन वाटर में डाला है और ये घोल बनाया है। और उसके पसंदीदा फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, सब मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे बारीक करके काटे हैं कि बच्चे को खाने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैंने एकदम छोटे छोटे से बारीक काटे हैं। और शुगर आपका बच्चा जैसे मिठास खाना पसंद करता है, उस हिसाब से आप शुगर दीजिए। तो मेरा ये दूध गर्म हो चुका है, मैं अब इसमें ये अमूल स्प्रे वाला जो दूध है वो भी डाल दूँगी, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। अभी गर्मियों के समय में आप गर्मी हो ठंडा हो, बच्चे को ये कस्टर्ड आराम से, अगर वो फ्रूट्स नहीं खाता है तो आप दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा भी है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं उसको बना बना के खिलाती हूँ। जो मैंने ये घोल बनाया था कस्टर्ड पाउडर का, मैं इसमें ये डाल दूँगी और इसको उंगली के चलाऊंगी, वरना वो कस्टर्ड पाउडर क्या होता है, नीचे में बैठ जाता है और वो लम्स चिपक जाता है, जो कढ़ाई के नीचे में चिपक जाता है, तो इसलिए मैंने वो घी डालने के बाद ही मैंने चलाना चालू कर दिया है। इसको गाढ़ा होने तक थोड़ा सा चलाऊंगी। आपका बच्चा ठीक, मतलब गाढ़ा हो, पतला, जैसे उसको पसंद है उस हिसाब से यू आर द मदर। तो आप बच्चे को ज़्यादा बेटर समझोगे कि बच्चा को क्या पसंद है, तो आप बच्चे के हिसाब से वैसे बनाएंगे। बहुत लोग के ये जब कस्टर्ड का जो ये घोल होता है, ये जब बन जाता है तो उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर उसमें फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते हैं, बट मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। मैं जैसे इसको मैं उतारूँगी इंडक्शन से, मैं इसमें फ्रूट्स डाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बच्चे को खाने में दिक्कत ना हो। और मेरे बेटा को ड्राई फ्रूट्स खास पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कर रही हूँ। और इसको फ्रिज में आपको रखूँ, अगर बच्चे को खिला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बच्चे को खिला सकते हैं, बट मैं नहीं खिलाती हूँ। मैं जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडी हो जाती है तब मैं इसको खिलाती हूँ। आप खुद के लिए फ्रिज में रखिए, 3-4 आवर्स उसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में या फ्रिज में, फ्रीजर से बेटर है आप इसको फ्रिज में 3-4 आवर्स को रख दीजिए, उसके बाद खाइए, आपको काफ़ी यम्मी लगेगा। पर अगर आप वो बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगी फ्रिज वाला प्रोडक्ट ना ही दें, उसको बाहर में रखें, वो नॉर्मल टेम्परेचर में। देखिए, गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। ये बच्चे को खाने में काफ़ी यम्मी लगेगा, ये गाढ़ा हो चुका। मैं इससे ज़्यादा और इसको ठीक नहीं करूँगी, मैं यहीं पर इंडक्शन बंद कर रही हूँ। मैं इंडक्शन बंद करने के बाद ये सारा साइड से ज़रा से इसको थोड़ा सा घोल को मिला ले रही हूँ।
उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें फ्रूट्स मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले मैं चीनी डालूँगी, उसके पहले मैं इसमें चीनी डालूँगी। आपके बच्चा जैसा मीठा खाना पसंद करता उस हिसाब से आप चीनी डालिए। मैं इसमें चीनी डालने वाली हूँ क्योंकि ये गर्म है तो ये इमीडिएटली घुल जाएगा चीनी। मैंने 6 चम्मच चीनी का डाला है और मैं इसको फिर से थोड़ा से मिला लूँगी। ये भी गर्म है तो ये चीनी इमीडिएटली इसमें घुल जाएगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इंडक्शन फिर से गैस हो कि इंडक्शन में जो भी हो उसको फिर से ऑन करके थोड़ा सा फिर से इसको मिला लीजिएगा। जैसे ही चीनी घुल जाती है वापस बंद कर दीजिए। हमेशा टेस्ट करके देख लीजिएगा कि मीठा ठीक है या नहीं है। आप अपने बच्चे के या आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। देखिए चीनी पूरी घुल चुकी है, पूरी तरह से घुल चुकी है चीनी। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब मैं धीरे धीरे इसमें सारे जो फ्रूट्स हैं वो डालते जाऊँगी। क्योंकि गर्म में वो फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाएंगी, जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए तो बच्चों को खाने में आपके बच्चे को अगर पोमीग्रेनेट पसंद है आप पोमीग्रेनेट मिक्स कर सकते हैं। जो आपको सिर्फ ऑरेंज मत मिक्स कीजिएगा क्योंकि ऑरेंज कभी कभी खट्टी रहती है तो वो कस्टर्ड का जो स्वाद है उसको पूरा ख़राब कर देगी। तो मेरे हिसाब से ऑरेंज मत डालिएगा, बाकी आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, डालिए जो आपके बच्चे को पसंद है। अब डालिए, इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तब हम बच्चों को सर्व कीजिए। वो काफ़ी चाव से इसको खाएंगे। ये हेल्दी भी है, पौष्टिक भी है, इसमें दूध है, फ्रूट्स है, छोटे बच्चे के लिए अच्छा है। आप अगर आपका बच्चा ड्राई फ्रूट्स खाता है तो आप इस पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जो आपके बच्चे को पसंद है ड्राई फ्रूट्स में किसमें काजू जो पसंद है आप इसमें डालिए। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, अगर आपका बच्चे को केसर पसंद है तो केसर डालिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।